पंचकुला में हरियाणा सिंचाई जल संसाधन विभाग और हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में वाटर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में दो दिवसीय वाटर कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। आयोजित कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के करीब 200 पदाधिकारी शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में पहले 2 मिनट का मौन रखकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे जीवन में पानी की बहुत महत्वता है, जल ही जीवन है, पानी के बिना कुछ नहीं है। संयोग ऐसा है, आज का दिन वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो मैं तो चाहूंगा कि ये जो जल संगोष्ठी है ये उन्हीं को समर्पित की जाए। इस जल संगोष्ठी का महत्व देवेंद्र सिंह जी ने बताया है कि पानी ये हमारे लिए अमृत है, पानी हमारा जल ही जीवन है, जैसा कहते हैं हमारा जीवन है, पानी के बिना कुछ नहीं है। शायद कुछ समय तक अन्न के बिना व्यक्ति रह सकता है, लेकिन जल के बिना नहीं रह सकता। जल उसका एक प्रवाह है, उसका एक साइकिल है, प्रकृति का साइकिल है, उसमें जल की हमको प्राप्ति होती है। प्राप्ति के साधन मुख्य रूप से वर्षा है। वर्षा भी एक हमारे क्षेत्र में वर्षा होती है और एक वर्षा मानो हमसे दूर पहाड़ों में होती है, तो पहाड़ों का जो एक पानी का प्रवाह है उसका हिस्सा हमको मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि बारिश के पानी का संग्रह कर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जमीन के अंदर पानी का एक बहुत बड़ा संग्रहण का भंडार है, जिनका उपयोग हम खेती सिंचाई के लिए करते हैं। मोटे रूप से ये दो मात्राएं जो पानी को हमको मिलती हैं, अब उसके बाद उसका संग्रह होता है। संग्रह होता है डैम्स में, संग्रह होता है फिर वो कहीं हमारे पॉन्ड्स हैं, हमारी झीलें हैं, रिचार्ज होकर के भूगर्भ में जाता है। तो जमीन के अंदर भी पानी का एक बहुत बड़ा संग्रह का भंडार है। अब ये संग्रह जो होता है उस संग्रह का हम फिर बाद में उपयोग करते हैं, और वो जो उपयोग है वो उपयोग हमको पता है कि जैसे मुख्य रूप से पीने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं, खेती सिंचाई के लिए करते हैं, उद्योग के लिए करते हैं, और अन्य हमारी जितनी आवश्यकताएँ हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम करते हैं। संयोग ऐसा है कि पीने का तो हर एक जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 2004-05 में 55 ब्लॉक डार्क जोन में थे, लेकिन 2020 में 85 डार्क जोन में है। ऐसा ही रहा तो जमीन का पानी खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हमें नदियां बारिश का पानी संग्रह के साथ उसे ट्रीट कर इस्तेमाल में लाना चाहिए। ऐसे में रिसाइकल ही एक रास्ता है, पानी को बनाया नहीं जा सकता। पंचकुला से सूर्य समाचार के लिए तारा ठाकुर की रिपोर्ट।